इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की सीरीज स्टार्ट किए थे, तो आज हम दीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दीज, इसका हिंदी में मतलब ये होता है, आप इसे हिंदी में देखेंगे तो ये लिखा हुआ आप पाएंगे। दीज का प्रयोग पास की दो या दो से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों को बताने के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, वह दो या दो से अधिक होनी चाहिए और पास में होनी चाहिए। पास में रखी हुई दो या दो से अधिक वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, उन्हें बताने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि दो या दो से अधिक मतलब प्यूलर बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम नाउन को बहुवचन या प्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। यदि इसका हम इंग्लिश स्ट्रक्चर देखें तो फिर ऐसा आएगा, दीज प्लस आर प्लस इस नाउन का प्यूलर फॉर्म। एक बार और रिवाइज कीजिए। दीज का प्रयोग पास में ही रखी हुई दो या दो से अधिक वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, उन्हें बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर यूज करेंगे, और नाउन कैसा होना चाहिए, प्यूलर फॉर्म में। स्ट्रक्चर फॉर्म कैसा है, दीज प्लस आर प्लस प्यूलर फॉर्म। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पालतू जानवर है, ये के लिए हम क्या यूज करते हैं, दीज। और हमने क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब आर। पालतू जानवर को पेट एनिमल कहा जाता है, परंतु हमने अभी पढ़ा है कि हम नाउन का प्यूलर फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे एनिमल्स लिखा हुआ है, राइट। दीज आर पेट एनिमल्स। ये काले घोड़े हैं, तो हमें जो घोड़े हैं उसमें हॉर्स की जगह हॉर्सेस यूज करना पड़ेगा। दीज आर ब्लैक हॉर्सेस, दीज आर ब्लैक हॉर्सेस। ये ताजे फल हैं, फल को हम क्या कहते हैं, फ्रूट, परंतु प्यूलर फॉर्म यूज करेंगे इसलिए एस लगा है। दीज आर फ्रेश फ्रूट्स, दीज आर फ्रेश फ्रूट्स। ये सड़े टमाटर हैं, दीज आर रोटन टमेटोज, दीज आर रोटन टमेटोज। सड़े के लिए क्या यूज करते हैं, रोटन, दीज आर रोटन टमेटोज। ये कागज की नाव है, दीज आर पेपर बोट्स, दीज आर पेपर बोट्स। ये गली के कुत्ते हैं, गली के कुत्ते को स्ट्रीट डॉग कहा जाता है, परंतु यहाँ पे कुत्ते हैं, प्यूलर फॉर्म होगा तो हम डॉग्स यूज करें, डॉग एस लगा हुआ है। दीज आर स्ट्रीट डॉग्स। ये मधुबनी पेंटिंग है, दीज आर मधुबनी पेंटिंग्स, दीज आर मधुबनी पेंटिंग्स। ये एग्जाम्पल है जो आपको करनी है। खोखले पेड़ को हॉलो ट्रीज कहा जाता है, और ये आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है।